अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, मैं आ गई हूँ वापस और बहुत अरसे के बाद, बहुत लंबी ब्रेक के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और क्यों मैंने इतना अरसा अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सर्दियों का व्लॉग है, मतलब सर्दियों का भी नहीं, आई थिंक ये फैब का व्लॉग है। और बस बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो गई बीच में, तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर जी मैंने, ये रात का टाइम था और मैंने यहाँ पे पापा जॉन्स का रैप ऑर्डर किया था। बहुत मज़े का होता है ये रैप, मुझे बहुत पसंद है। ये है कि ये ग्रिल नहीं करते, बस ऐसे ही होता है इनका, लेकिन बहुत बहुत यमी होता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं आपको बताती चलूँ कि मैं क्यों इतना अरसा एब्सेंट थी अपने व्लॉगिंग चैनल से, मैंने व्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिए थे। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इतना अरसा, इतना लंबा पीरियड मैंने क्यों ब्रेक ली है। तो वजह ये बनी थी कि मेरे भाई को जो है वो डेंगू हो गया था और बहुत लंबा अरसा खैर उसका चला, पूरा एक मंथ ही उसको बुखार बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, सब टेस्ट क्लियर हों, लेकिन ये है कि सीबीसी में आए कि इन्फेक्शन है, पता ना चले किस चीज़ का इन्फेक्शन है। तो खैर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत टेस्ट करवाए, और एक दिन तो अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमें इमरजेंसी भी जाना पड़ा। और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ ड्रिप्स वगैरह लगाई, तो कुछ हालत संभली और हम बहुत डर गए थे, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या हो जाए। और बस मैं तो ऐसी थी कि दिन रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लगी थी, सब घर वाले बहुत परेशान थे कि अचानक से क्या ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, रोज़ 104 पे बुखार हो रहा है। और इसके अलावा चक्कर भी थे, बैक पेन भी थी, सारे सिम्टम्स जो हैं वो डेंगू वाले थे, लेकिन हमारा माइंड जो है वो डेंगू वाले फीवर की तरफ जा ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे इसको दिन रात ड्रिप्स लगती थी और मैं ही इसको लेकर जाती थी हॉस्पिटल। तो खैर फिर बाद में हमने अरेंज कर लिया था, वो घर आकर ही लगा जाते थे। तो खैर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ही फिर बहुत सारे टेस्ट के बाद, बहुत सारे इंजेक्शन लगने के बाद हमने सोचा कि अब बुखार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सुबह शाम तकरीबन 4 दिन इसको इंजेक्शन लगे थे, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन ख़त्म हुए अगले दिन फिर से वही 104 पे बुखार। तो बस फिर हम दोबारा भागे इसको लेकर। और मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो लोग मुल्तान में रहते हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकती है ये चीज़। मुल्तान में निश्ता रोड पे बैठे हैं डॉक्टर बुरहान पाशा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं। तो खैर वहाँ पर हम गए और उन्होंने कोई टेस्ट, उन्होंने कहा ये टेस्ट बिल्कुल गैर ज़रूरी थे, आपको ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने इनका कोविड का या डेंगू का टेस्ट क्यों नहीं करवाया। तो खैर उन्होंने फौरन ही डेंगू के टेस्ट लिख कर दिए, कोविड के टेस्ट लिख कर दिए। उन्होंने कहा इनको वायरल हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खैर फिर जब टेस्ट हुए तो फिर उसमें आया कि वाकई ही इसको डेंगू था, डेंगू पॉजिटिव था। तो बस जी फिर उन्होंने टैबलेट्स वगैरह लिख कर दी, जो कि आई थिंक 15 से 20 डेज तक चली थी, उसके बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बुरा फीवर है वायरल, चाहे कोविड हो या चाहे डेंगू हो, बहुत बुरा फीवर है, आपको आधा कर देता है ये। और मेरा भाई इतना ज़्यादा वीक हो गया था और बहुत, तकरीबन उसका 1-1.5 माह तो हमारा ऐसे ही चला गया ना, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, परेशानी में यहाँ भाग वहाँ भाग। तो बस यही वजह थी। और ऐसा होता है कि जब कोई परेशानी आती है तो एक परेशानी नहीं आती, बहुत सारी परेशानियाँ साथ आ जाती हैं, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है, इसीलिए आप, मुश्किल तो आती है लेकिन अल्लाह ताला रास्ते भी बहुत बना देते हैं। तो यहाँ पर जी मैं लेकर जा रही थी भाई को डॉक्टर के पास, बुरहान पाशा के क्लिनिक पर, और वीडियो जो है वो काफ़ी पीछे चली गई है, जो मैं क्लिप्स थे वो मैंने साथ साथ बनाती रही थी, लेकिन जो जिस डॉक्टर की मैं बात कर रही थी उसका क्लिनिक जो है वो नेक्स्ट क्लिप में आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो बस जी इसके बाद काफ़ी अरसा जो है मैं इसी में मसरूफ़ रह गई, कोई टाइम नहीं मिला मुझे। यह है कि मैं क्लिप्स तो बनाती जा रही थी लेकिन मुझे एडिटिंग का या वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला,
क्योंकि मैं लाइव वीडियोस तो बनाती नहीं हूँ। जो लोग लाइव वीडियोस बनाते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, सारी वीडियोस के क्लिप इकट्ठे की, एडिटिंग की और अपलोड कर दी। मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उसमें काफ़ी जो है वो मेहनत का काम होता है। पहले आप वीडियोस बनाते हो, फिर आप एडिटिंग करते हो, फिर आप वॉइस ओवर करते हो, तो खैर काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है ये। इसलिए मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती थी। तो बस यहाँ पे अब हम क्लिनिक पे आ गए और वेट कर रहे हैं। तो बस इसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया और काफ़ी बेहतर हो गई तबीयत। तो फिर अचानक से जो है दोबारा उसको, मेरे भाई को यूरिन में जो है वो ब्लड आना शुरू हो गया। तो फिर उसकी टेंशन, उसके लिए भागे, वो 10-15 दिन कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। तो ये है कि उसको फिर इन्फेक्शन दोबारा से ही हो गया था। इन्फेक्शन तो आप इस तरह से नहीं कह सकते, सारे टेस्ट वगैरह सब क्लियर थे उसके, एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड सब क्लियर थे। बस जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि स्टोन है, लेकिन वो उसका साइज़ छोटा है जिसकी वजह से वो अल्ट्रासाउंड में कैच नहीं हो सका। तो बस खैर 10-15 दिन वहाँ पर गुजर गए, कुछ पता नहीं चला। मैं घर भी बहुत कम आती थी अपने, ज़्यादातर अम्मी की तरफ ही रह जाती थी। तो बस ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा एब्सेंट रह गई। और एक चीज़ ये है कि मैं मैसेज देना चाहूँगी छोटा सा, वो ये कि हम जहाँ पे अपने कपड़ों पे, अपनी खाने पीने पे, अपनी हर चीज़ पे इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर 6 माह के बाद अपने रेगुलर टेस्ट लाजमी करवाएं। और ये बहुत अच्छा होता है और हमेशा करवाने चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हमें जब कुछ अल्लाह माफ़ करे कोई सिम्टम्स जाहिर होंगे तो ही हम कोई टेस्ट करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। अब जैसे मेरे भाई की किडनी में छोटा सा स्टोन है, चाहे छोटा है साइज़ में लेकिन है तो सही, अगर हम बहुत पहले इसका अल्ट्रासाउंड या मुकम्मल टेस्ट करवा चुके होते तो हमें फ़ौरन पता चल जाता और यूरिन में इतना ब्लड ना आता, इन्फेक्शन ना होता। तो खैर ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर 6 माह के बाद टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए और अल्लाह का शुक्र है सब क्लियर आए। लेकिन अब से मैंने यही सोचा है कि इंशाल्लाह हर 6 माह के बाद हमें इन चीज़ों पे भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अपनी हेल्थ है, अपनी सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत डिस्टर्ब है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको ना तो खुशी दे सकती है, ना तो वो सेटिस्फेक्शन दे सकती है। और जैसे आप बीमार होते हो, आपको हल्का सा फीवर भी होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना कोई खाने पीने की चीज़ अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको। तो इसीलिए हमेशा अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें और इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें, हर 6 मंथ के बाद अपने तमाम ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लिया करें। और 3-4 टेस्ट हैं जो कि आप करवा सकते हैं, नॉर्मल CBC होता है, RFT होता है, रेनल पैरामीटर्स होते हैं। ये चंद बेसिक टेस्ट हैं जो आपको पता चलता है कि जो आपके लाइफ थ्रेटिंग ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, या आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, या कुछ ऐसा ऐसी बीमारी अल्लाह माफ़ करे जो वक्त पे आपको नहीं पता चल रहा होता, या सिम्टम्स उसके ज़ाहिर नहीं हो रहे होते, वो आपको टाइम से पता चल जाता है। तो बस अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और अगर आप टाइम पे इंसान चेक करवाता रहे तो बहुत बड़ी परेशानियों से इंसान बच सकता है। बस अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाएं और की परेशानियों को दूर फरमाएं। तो बस यही वजह थी, मैं एब्सेंट थी और इतना अरसा हो गया मैंने व्लॉग भी कोई अपलोड नहीं किया। और मज़ीद आगे भी बहुत कुछ हुआ, बहुत परेशानी हमें फ़ेस करनी पड़ी। वो क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे कोई परेशानी होती है या किसी की टेंशन फिक्र होती है तो मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल ढीली हो जाती हूँ। मतलब ये कि मैं सोई रहती हूँ हर वक्त और मुझे बहुत नींद आती है जब मुझे बहुत टेंशन होती है। तो इसी वजह से मेरे काम की रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मेंटली और इसीलिए मैं बिल्कुल भी कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह मेरा व्लॉग आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 1 से 2 व्लॉग तो मैं लाजमी डालूँ ही डालूँ। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, मैं अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।